प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांचवें आयुर्वेद दिवस पर देश को समर्पित किए दो आयुर्वेद संस्थान, आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान जामनगर और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे साझा प्रयासों से ही आयुष ही नहीं बल्कि आरोग्य का हमारा पूरा सिस्टम एक बड़े बदलाव का साक्षी बनेगा। दोनों संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय और वैज्ञानिक मानकों के आधार पर तैयार करें पाठ्यक्रम। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक ने राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर वीडियो मैसेज के माध्यम से किया संबोधित। कहा, भारत में WHO ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन खोलने के लिए सहमत। बिहार में सरकार गठन को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की बैठक। जनता दल यूनाइटेड प्रमुख एवं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, सभी घटक दलों के विधायकों की 15 नवंबर को होगी संयुक्त बैठक। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत विभिन्न देशों से 23 लाख से अधिक भारतीयों को लाया गया स्वदेश। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, 8वें चरण में इस माह के पहले 10 दिनों में 22 देशों से 80,000 भारतीयों को वापस स्वदेश लाया गया। अयोध्या में आज शाम सरयू नदी के तट पर भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का किया जाएगा आयोजन। राम जन्मभूमि अयोध्या मामले में न्यायालय का फैसला आने और राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण शुरू होने के बाद ये होगा पहला भव्य दीपोत्सव। प्राकृतिक आपदा प्रभावित 6 राज्यों को करीब 4,500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय मदद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने अतिरिक्त केंद्रीय सहायता देने को दी मंजूरी। देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर हुई 92.97%। कोरोना मृत्यु दर घटकर हुई 1.47%। दुनिया भर में कोविड-19 मामलों की संख्या बढ़कर हुई 5 करोड़ 30 लाख के पार। मृतकों की संख्या पहुंची 13 लाख।